एन एन न्यूज सबसे तेज सबसे फास्ट न्यूज रिपोर्टर प्रमोद कुमार मिश्रा के साथ। इतने जानवर हमारे सर्दी में सुरक्षित है, बहुत बढ़िया काम हो गया। श्रीवास्तव जी के द्वारा इनकी टीम है। भाई साहब ने हमको जो है गौ सेवा का गौशाला के माध्यम से गौ सेवा करने का अवसर प्रदान किया, ना तो हमको अवसर जितना कैसे कर पाएंगे। ये पूरा जर्जर था, तीन मिल गए जब शुरू शुरू में आप आए थे। मिट्टी की तो पटान आप एक सौजन्य से हो गया, नहीं तो पूरा जल भराव यहाँ इतना रहता था। ठीक, आगे और विजिट करेंगे। तुम बीच में ना डालोगे। जिलाधिकारी महोदय जी, कार्यक्रम के जो आयोजक हैं हमारे श्रीमान विजय शुक्ला जी, प्रोजेक्ट के जो भी सदस्य हैं, हम सभी से परिचित नहीं है, सभी और जो भी इस गौशाला से जुड़े हुए हैं अपना सहयोग दे रहे हैं पावन कार्य में, तो ये अत्यंत एक पवित्र कार्य है। हमारे श्रीवास्तव जी जो बैंक के प्रबंधक थे और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपना जीवन एक तरीके से है गौ सेवा को समर्पित कर दिया, तो इन्हीं के प्रयास से और हमारे विजय शुक्ला रिंकू जी जो अनवरत रूप से इस गौशाला निर्माण कार्य और जो गौवंश जो आज हमने देखा वहां जा करके, अभी तक तो हम आते थे और बाहर से ही देखते थे तो लगता था कि गौवंश नहीं है, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों को देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। और जो यहाँ पर जिसका उद्घाटन आज माननीय जिलाधिकारी के द्वारा जी के द्वारा हुआ है, तो उसको भी देखकर एक मन गदगद हो गया है कि कार्य हो रहा है। क्योंकि गाय केवल एक पशु नहीं है। एक बार अकबर ने पूछा कि सबसे अच्छा दूध किस पशु का है, तो जो बीरबल थे उन्होंने कहा भैंस का दूध सबसे अच्छा होता है। अकबर थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया, उसने कहा आपके यहाँ तो गाय को विशेष दर्जा दिया गया है, उसका दूध को बहुत पवित्र माना गया है और आपने कह रहे हैं कि भैंस का दूध बड़ा पवित्र बड़ा उत्तम होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। बीरबल मुस्कुराए और कहा आपने दूध की बात की थी तो दूध भैंस का अच्छा होता है, गाय का तो अमृत होता है, वहाँ दूध नहीं है, आपने दूध की बात की थी तो दूध भैंस का अच्छा होता है, तो ये अमृत है और ये अमृत जिसके अंदर पल रहा है उसकी जो सेवा कर रहा है। गाय केवल एक पशु नहीं है, गावो विश्वस्य मात्रा, जो गाय है पूरे विश्व की माता है, तो जितना फल हमको अपनी माँ की सेवा करने में मिलता है उससे कई अधिक गुना अगर हम एक गौशाला का निर्माण करते हैं या गौशाला की व्यवस्था एक अच्छी रूप से संचालित करते हैं या एक गाय की भी अपने जीवन में सेवा करते हैं, तो ये गौशाला तो सरकार भी बनवा रही है, जो आयोजक हैं वो भी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जो समर्थ लोग हमारे समाज के हैं जो गाय पाल सकते हैं उनको भी आगे आना चाहिए। कम से कम एक एक गाय अगर एक व्यक्ति समर्थ व्यक्ति अपने घर में पालने लग जाए तो आप कल्पना करिए गोला में कितने ऐसे लोग हैं, कितनी गाय संरक्षित हो सकती है। लेकिन समस्याओं के कारण या जो भी हो गाय घूम रही है, या हमने देखा है शहरों में तो दूध उसका दूध लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो इससे एक अपराध लगता है, एक पाप लगता है। हम तो आप यहां तक सोच सकते हैं कि अगर गाय ना होता होती तो राम भी नहीं होते, क्योंकि दिलीप जो थे उनको कोई संतान नहीं थी। राजा दिलीप जो दशरथ के ही पूर्वज थे, वहां पर बिल्कुल रघुवंश रुक गया था, क्योंकि दिलीप निसंतान थे, बहुत यत्न के बाद भी कोई उनको संतान नहीं हुई। किसी संत ने बताया कि आप कामधेनु की पुत्री नंदिनी है जो गाय है उसकी सेवा करें, उसकी सेवा करने से आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो दिलीप ने उस नंदिनी की ऐसी सेवा की, कथा आती है आप सब जानते हैं। परीक्षा लेने के लिए यमराज शेर बनकर के आ गए, कहा कि मैं इसको खाऊंगा, नंदिनी गाय। दिलीप ने कहा नहीं,
मैं इसका रक्षक हूँ, मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, इसलिए आपको अगर भूखे हैं तो मुझे आप खा लीजिए, इसको छोड़िए। दिलीप ऐसी सेवा करते थे, जब गाय बैठती थी तो वो बैठते थे, जब गाय खड़ी होती थी नंदिनी तब वो खड़े होते थे, जब गाय खा लेती थी तब वो खाते थे। इतनी कठिन सेवा की दिलीप जी ने, तो वहां से ही उनके पुत्र की प्राप्ति हुई रघु की। यानी गौवंश न होता तो रघुवंश न होता, इस तरीके से ये कोई साधारण नहीं चीज है। इसीलिए मानस में भी गोस्वामी जी ने कहा, हे प्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गाय की रक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं यदि हम आप गाय की सेवा कर रहे हैं तो भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। तो गाय की सेवा करने का जो हमें कार्य मिला है तो भगवान की विशेष अनुकंपा है, क्योंकि भगवान को जिससे जो कार्य कराना होता है वो करा लेता है। हम आपसे ये वाला कार्य गाय की सेवा का कर करा रहा है, तो हम आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, और बहुत बहुत हम आभार एक बार फिर सीपी श्रीवास्तव जी का, लायंस क्लब का, रोटरी क्लब का, हमारे विजय शुक्ला जी का बहुत बहुत एक बार फिर आभार प्रकट कर रहे हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि एक पशु को पालना अभी कितना कठिन होता है, और यहाँ पर इतने अधिक हैं, तो रोज की व्यवस्था एक दिन चलो कोई भी कर सकता है मैनेजमेंट, लेकिन रोज की व्यवस्था को संचालित करना ये थोड़ा साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और देखकर मन अत्यंत प्रफुल्लित हो गया है, और आशा यही है कि ये और भी अच्छा होता रहे, और व्यवस्था यहाँ की अच्छी हो, और अधिक गौवंश हो, ताकि हम सब लोग, और हम आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो लोग भी बैठे हैं अधिक से अधिक यहाँ सेवा करें, चारा के रूप में यहाँ व्यवस्था करें, गाय की जो भी सेवा हो सकता है, ठंड में गाय के ऊपर डालने वाला है वो आप दें, क्योंकि ये गौशाला जो होती है केवल एक व्यक्ति की संस्था नहीं, ये पूरे समाज की व्यवस्था होती है। इसलिए हम सब लोग अपना अधिक से अधिक यहाँ सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई। ये भी देखिए पुराना था, इसमें नादे अंदर बने ही करा दिए, देखिए बच्चे सब अपने छोटे बच्चे हैं। एक सेकंड आइए आइए, अच्छा लग रहा है, बड़े अच्छे लगते हैं ना छोटे जब रहते हैं तो। अब पूरा दूध सिर्फ चाय भर का निकालते हैं, देखो दूध इनका। इसको सर प्रोफेसर कुशी गुप्ता जी ने अपने पिताजी की स्मृति में इसका अनुमान कराया था। छोटे बच्चों की संख्या कितनी है, हमने तो देखा नहीं। हाँ, इसीलिए आपको हमने कहा कि आप चला, इसीलिए आज बुलाया, इसीलिए कम से कम जब आप देखेंगे तो दो बच्चे उसमें भी थे उस दिन, सीढ़ियों से आए देखे, एक उसको मुझे पैसा निकालूंगे। बहुत आराम से होती है, चलती सब इसके अंदर पड़ा रही थे, दाने में नीचे पैरा है, बहुत बढ़िया पैरा, ये बड़ा पुराना समय, ये गद्दे के रूप में काम करता है, जो समय होते हैं। आप लायंस क्लब के कथावाचक हैं, और आप लायंस क्लब के श्याम दासपुर जी, आपके लिए सर हम कर रहे थे अपने दिन में परमानेंट आपको मिलने लगा।